चिल्ड्रन टुडे आई विल टीच यू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स विच टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड अ एडजेक्टिव। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक। अब ये ओल्ड मैन जो यूज हुआ है, ओल्ड जो यूज हुआ है मैन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर मल्होत्रा। अब ये दिस किसके लिए यूज हुआ है? हाउस के लिए, ठीक है। तो अब ओल्ड और दिस क्या है? एडजेक्टिव है। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं वो सब एडजेक्टिव होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है 7। एक एक को हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि बताता है क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, है ना। दीज टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी, यानी विशेषता बताते हैं किसी की नाउन और प्रोनाउन की। जैसे ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब ताजमहल इसमें यहाँ पर आपका क्या है? नाउन है, तो उसकी क्या बता रहा है? क्वालिटी, ब्यूटीफुल। अकबर वॉज ए नोबल एंड वाइज किंग। अब नोबल और वाइज क्या है? अकबर के लिए यूज हो रहा है, अकबर है नाउन, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से आपको पता चल रहा है टेल्स अस डेफिनेट और इनडेफिनेट नंबर, बताता है निश्चित भी हो सकते हैं अनिश्चित भी हो सकते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। पर्सन और थिंग होते हैं, जैसे कि सुजाता स्टूड फर्स्ट इन द एसे कॉम्पिटिशन। अब फर्स्ट जो हुआ है इसमें क्या है? आपका एडजेक्टिव नंबर है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब मैनी तो कितने भी हो सकते हैं, तो मैनी जो यूज हुआ है कितने हैं ये पता नहीं, इनडेफिनेट है। तो इसमें हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। इसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा है चीज़ की, समथिंग जितनी भी हो सकती है। ओके, इसके जैसे ही हैड सफिशियंट मनी, सुमन टुक सम क्लोथ्स फॉर द जर्नी। अब सफिशियंट और जो सम यूज हुआ है यहाँ पर, ये नहीं पता कि हाउ मच कितना है, हम ये नहीं हमें डेफिनेट हो रहा, ठीक है। क्वेश्चन अगर है तो इसमें, तो ये क्या कहलाते हैं आपके? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। ए एडजेक्टिव पॉइंट्स टू द पर्सन और थिंग टॉक्ड अबाउट, यानी कि पर्सन और थिंग के बारे में जो बातें कर रहे हैं उसको हम इसमें बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग, दैट सेल फोन इज वेरी एक्सपेंसिव। अब ये दिस जो है आपका क्या बता रहा है? स्टोरी बुक के बारे में उसको बता रहा है, और दैट किसके बारे में बता रहा है? सेल फोन के बारे में। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। द वर्ड दैट इज यूज्ड विद नाउन, ओके। इसमें क्या होता है? टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यानी क्वेश्चन को जो नाउन है, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछने काम आता है। द वर्ड दैट इज यूज्ड विद नाउन, नाउन के साथ यूज होता है, और इंटरोगेटिव यूज एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक, हुज क्लासेस आर दीज। अब ये विच और जो हुज यूज किया है हमने इसमें, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये क्या है आपके? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजेशन, ये क्या दिखाता है? शोज पोजेशन, ओनरशिप और बिलोंगनेस। किससे ये चीज मतलब बिलोंग कर रही है उसको बारे में बताता है। जैसे दिस इज अवर क्लासरूम, दे आर देयर पेरेंट्स। तो ये अवर और जो देयर इसमें यूज किया है, ये क्या है? मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन, मतलब नाउन द्वारा फॉलोड हुआ है। तो इसलिए ये देयर और अवर क्या है? इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज का करना, ओके। विच पॉइंट्स आउट वन थिंग और पर्सन फ्रॉम मैनी थिंग्स और पर्सन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कोई मतलब वर्ड जो पॉइंट आउट करता है थिंग या पर्सन के बारे में और मैनी थिंग्स के बारे में, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।